आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स के कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं सर्ज टैंक। इट इज अ सिलेंड्रिकल ओपन टॉप स्टोरेज रिजर्वायर कनेक्टेड टू अ पेनस्टॉक। ये पेनस्टॉक से जुड़ा हुआ एक सिलेंड्रिकल स्टोरेज रिजर्वायर होता है। इसको हम लोग स्मॉल रिजर्वायर बोल सकते हैं। एक टैंक के आकार का होता है ये। इट प्रोटेक्ट पेनस्टॉक फ्रॉम एक्सेसिव प्रेशर कॉज्ड बाय द वाटर हैमर। ये एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग पेनस्टॉक की सहायता से वाटर को फ्लो कराते हैं टरबाइन के ब्लेड्स तक, तब क्या होता है कि जब आपका लोड डिमांड कम होता है तो उस केस में जो विकेट गेट होता है वो अचानक से क्लोज होने लगता है। मींस उसमें क्या होता है, गवर्नर एक मैकेनिज्म होता है। मींस जो गवर्नर होता है वो क्या करता है कि लोड के आधार पे जो उसका गेट है उसको ओपन या क्लोज करता है। मींस जब ज्यादा पावर जनरेशन करना होता है तो उस विकेट गेट को कम्प्लीटली खोल दिया जाता है ताकि जो है हाई मात्रा में उसमें वाटर जो है इनलेट करे और बहुत ज्यादा स्पीड से वो टर्बाइन का ब्लेड फिर घूमने लगता है। अब क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन चल रहा था, अचानक से लोड डिमांड कम हो गया तो विकेट गेट को क्या करते हैं, जब लोड डिमांड कम होगा तो वाटर का फ्लो है उसको कम कर दिया जाता है ताकि पावर जनरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। उस केस में क्या करेंगे, जब हम विकेट गेट को अचानक से क्लोज करते हैं तो टर्बाइन से जो वाटर है वो तो जाता ही रहता है, ठीक है, टर्बाइन से जो वाटर है वो तो फ्लो होते रहेगा। अचानक से जब हम लोग उस गेट को क्लोज कर देते हैं तो उस केस में जो पेनस्टॉक होता है, ये जो एक्चुअल में पेनस्टॉक ये है आपका, ये जो दिख रहा है पाइप, इसको बोलते हैं पेनस्टॉक। ये जो ऊपर का जो कंपोनेंट्स ये जो दिख रहा हुआ है, ये जो है आपका क्या होता है, ये यही है आपका सर्ज टैंक, ये पेनस्टॉक है और ये आपका पावर हाउस है जहाँ पे आपका टर्बाइन और अल्टरनेटर जो है वो लगा होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो पेनस्टॉक है ये वाला, इसपे एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं वाटर हैमरिंग प्रोसेस। तो जो जो आपका पेनस्टॉक है उसको एक्सेसिव प्रेशर से क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस टैंक का, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्ज टैंक। तो उस केस में क्या होगा, ये जो एक्सेस वाटर जो होता है वो स्टोर हो जाता है उसी सर्ज टैंक पे, ठीक है, और उसको प्रेशर होने से बचा देता है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से सर्ज टैंक का जो पर्पस होता है वो होता है इट प्रोटेक्ट्स द एक्सेसिव प्रेशर कॉज्ड बाय द वाटर हैमर। इस वाटर हैमरिंग प्रोसेस में जितना भी एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट होता है सर्ज टैंक पे उससे ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपका दिख रहा है, ये आपका सर्ज टैंक है और ये आपका पावर हाउस है और जिस पाइप के थ्रू हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं यहाँ तक जनरेट जो पावर हाउस है वहां तक, उसको बोला जाता है पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक एक जो है ट्यूब आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, मेटेलिक ट्यूब के फॉर्म में भी होता है, कई बार ये सीमेंट कंक्रीट का बना होता है या फिर कहीं कहीं पे ये ओपन कंड्यूट भी होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है इसको हम लोग देखें, ये आप एक बार देख सकते हैं, ये सर्ज टैंक आपका डायग्राम में दिख रहा है, ये पेनस्टॉक है और ये आपका पावर हाउस है। इस तरीके से जो मुख्य कंपोनेंट्स इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं स्पाइल वे। स्पाइल वे क्या होता है, अ सेफ्टी वाल्व फॉर डैम। ये जो है डैम के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। सेकंड है प्रोटेक्ट डैम ड्यूरिंग फ्लड सीजन। फ्लड मीन्स बाढ़ के कंडीशन पे ये डैम को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है डिस्चार्ज ओवरफ्लो वाटर टू डाउनस्ट्रीम। ये जो है वाटर को नीचे की ओर फ्लो कराता है। कंट्रोल्ड बाय अ मेटालिक गेट्स। इसमें एक मेटालिक गेट होता है जिसकी सहायता से इसको कंट्रोल किया जाता है। व्यू ऑफ स्पाइल वे। ये जो है स्पाइल वे है, इसका ओवरव्यू है कि इस तरीके से ये आपका दिखता है ना? तो स्पाइल वे का जो मुख्य पर्पस क्या होता है कि जब रिजर्वायर में एक्सेस वाटर हो जाता है बरसात के दिनों में, जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिन में जब बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें वाटर स्टोर हो जाता है रिजर्वायर में, तो उस एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए जिस नाली का जिस ट्यूब का हम लोग यूज करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही है आपका स्पाइल वे, ठीक है। मीन्स जो एक्सेस वाटर है उसको हम लोग डिस्चार्ज करने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पाथ का इस्तेमाल करते हैं, वह कहलाता है स्पाइल वे, ठीक है।
तो ये जो है एक्सेस जो वाटर है उससे रिजर्वायर को डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है? प्राइम मूवर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटर को घुमाने का कार्य करता है। अल्टरनेटर का जो शाफ्ट होता है उसको घुमाने का कार्य करता है, वो कहलाता है प्राइम मूवर। वाटर टर्बाइन इज अ प्राइम मूवर फॉर अल्टरनेटर, मीन्स यहाँ पे जो वाटर टर्बाइन है, जो टर्बाइन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटर जो है उस टर्बाइन से ही कपल्ड होता है, और उस टर्बाइन के घूमने के कारण से जो अल्टरनेटर है वो घूमता है, इसलिए टर्बाइन को एज अ प्राइम मूवर यहाँ पे बोला गया है। इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इंटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका काम होता है कि काइनेटिक वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पेल्ट्रॉन व्हील, फेंसिस व्हील्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टर्बाइन्स। तो मुख्य रूप से ये जो है अलग अलग टाइप्स के टर्बाइन हम लोग यूज करते हैं अलग अलग हेड्स के आधार पे, मीन्स जो हाइट होता है आपका उसके आधार पे ये अलग अलग टर्बाइन यूज किया जाता है। तो पेल्ट्रॉन व्हील है, फ्रेंसिस है, कैप्लांस है, ये सब यूज किया जाता है। तो ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जनरेटर और टरबाइन आपस में कपल्ड है। तो ये इसका जनरेटर पार्ट है और ये है टरबाइन, ठीक है। ये फ्लो ऑफ वाटर इसमें दिखा हुआ है, वाटर फ्लो। ये टरबाइन का ब्लेड है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स के साथ वाटर को यहाँ पे अप्लाई करते हैं टरबाइन के ब्लेड में, जिसके कारण से ये जो टरबाइन का जो शाफ्ट है रोटर पार्ट वो क्या होगा, घूमने लगेगा। क्योंकि इसके साथ में जो अल्टरनेटर है, मीन्स आप जनरेटर बोल सकते हो, ये जो है कपल्ड है एक साथ, ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो उसके कारण से क्या होगा कि ये टरबाइन का ब्लेड घूमने से अल्टरनेटर का जो शाफ्ट है वो भी क्या होगा, घूमने लगेगा। ये जो रोटर पार्ट है वो घूमता है और ये आपका स्टेटर पार्ट है। तो स्टेटर पार्ट में क्या होता है, हम लोग एडिशनल सप्लाई देते हैं जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन ना। तो वो जो चूंकि जो एक्साइटेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो वहां पे एक फील्ड फॉर्मेशन करता है, और उस फील्ड को चूंकि रोटर जब उसको कट करता है तो उसके कारण से वहां पे पावर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्टेप अप करके आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये जो टरबाइन था ये ऐसा प्राइम मूवर वर्क करता है। ये आपका केप्लान टरबाइन, रनर, लोअर हेड, प्लांट्स, ये अलग अलग डायग्राम दिखाया गया है। और ये है आपका पेल्ट्रॉन टरबाइन, हायर हेड प्लांट्स, जहाँ पे हेड मीन्स जो आपका जो डैम होता है उसका हेड जब हायर होता है वहां पे पेल्ट्रॉन व्हील यूज करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है पेल्ट्रॉन व्हील का, आप देख सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंसिस टर्बाइन, रनर, मीडियम हेड प्लांट्स। मीडियम हेड जो प्लांट्स होता है, मीडियम हाइट का जो प्लांट होता है जनरेटिंग स्टेशन, वहां पे हम लोग यूज करते हैं फ्रेंसिस टर्बाइन। अब देख लेते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। द वाटर फ्लो एग्जिस्ट द टर्बाइन इन द पावर हाउस थ्रू अ लार्ज आउटलेट कॉल्ड अ ड्राफ्ट ट्यूब। मीन्स जो वाटर है टर्बाइन से यूज होने के बाद जो वाटर है उसको हम लोग एक लार्ज आउटलेट के थ्रू बाहर करते हैं, वह कहलाता है ड्राफ्ट ट्यूब। इट इज एक्सपेंडिंग ट्यूब कनेक्टेड टू द आउटलेट पैसेज पैसेज ऑफ द टर्बाइन रनर। ये टर्बाइन रनर से जो है एक क्या होता है कि आउटलेट पासेज होता है, एक रास्ता होता है बाहर फ्लो कराने के लिए वाटर को। इट एग्जिस्ट अ टेल वाटर टू टेल रेस। तो मुख्य फंक्शन जो है ड्राफ्ट ट्यूब का क्या होता है कि जो टरबाइन से जो वाटर है उसको ये बाहर जो है टेल रेस तक डिस्चार्ज कराने का काम करता है, उसके लिए पाथ प्रोवाइड करता है, आउटलेट पाथ होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड विद द कंक्रीट और द मेटल, ये सामान्य रूप से इसको कंक्रीट का या फिर मेटल का बनाते हैं। द ट्यूब क्रॉस सेक्शंस ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड्स आउटलेट, मीन्स उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो मतलब जो सामने का जो साइड होता है बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, पीछे जो है वो संकरा होते चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है धीरे धीरे आउटलेट की ओर, पीछे की ओर ये संकरा होता है। इंक्रीजेस वर्क फ्लो टू टर्बाइन, वर्क इंक्रीजेस वर्क डन बाय द टर्बाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेल रेस। ये जो है लास्ट कंपोनेंट है। वाटर आफ्टर डूइंग अ यूजफुल वर्क इन द टर्बाइन इज डिस्चार्ज एट अ लोअर एंड इज नोन एज टेल रेस। टर्बाइन से वाटर उपयोग होने के बाद उसको नीचे साइड हम लोग जो डिस्चार्ज करते हैं जिस रास्ते से, वो कहलाता है टेल रेस। इट्स लेवल शुड बी लो एज पॉसिबल, तो ये जिसका जो लेवल है वो जितना नीचे होगा वो उतना ही ज्यादा ये बेटर होता है।
ये जो है आपको स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा हुआ है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है हाई हेड डैम का। तो जिसका टेल रेस का डायग्राम है ये, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। टरबाइन से यूज होने के बाद ये जो है इस टेल रेस की सहायता से ये बाहर चला जाता है। ठीक है, ये आपका पावर हाउस है ना, तो इस तरीके से ये इसका डायग्राम है। ये पावर हाउस से यूज होने के बाद वाटर जो है डिस्चार्ज होने के बाद जिस रास्ते से जाएगा वही कहलाता है आपका टेल रेस, इसको याद रखेंगे। अब अल्टरनेटर, टिपिकली इट इज अ 3 फेज 11 kV अल्टरनेटर। जनरली आपको बताया गया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है वहां पे जो पावर जनरेशन है वो 11 kV पे करते हैं। एक्सेस जो है वोल्टेज पे जनरेशन करने से इंसुलेशन फेलवर हो सकता है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसके भी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 33 kV जनरली यूज करते हैं, मीन्स 11 से 33 kV के बीच ही यूज होता है। इससे अधिक जो है जनरेटर की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका काम यही होता है कि ये टरबाइन से प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज ड्राइवन बाई अ वाटर टर्बाइन। ये जो है वाटर टर्बाइन के द्वारा इसको घुमाया जाता है। इट इज लोकेटेड इन द पावर हाउस। ये पावर हाउस में लगा होता है टर्बाइन के साथ, जैसे आपको दिखाया गया था। ये अल्टरनेटर का पिक्चर है, अलग अलग ये आपका अल्टरनेटर जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग लोकेशन के आधार पे ये अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्य मुख्य जो कंपोनेंट्स थे हाइड्रो पावर प्लांट्स के, ये आपको बताया गया ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो मुख्य रूप से अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूं कि कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो सबसे पहले उसमें होता है रिजर्वायर। तो जहाँ पे लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर करते हैं वो कहलाता है रिजर्वायर कहलाता है। दूसरा कंपोनेंट्स था इसमें डैम। तो जो डैम है इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो डैम होता है वो एक सीमेंट कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं। उसके बाद पेनस्टॉक आपको बताया गया था कि जो पेनस्टॉक होता है ये जनरली क्या होता है, ये वाटर को जो है फ्लो कराने का काम करता है, मीन्स रिजर्वायर से कहाँ तक लाने का काम होता है। ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, रिजर्वायर से जो पावर हाउस है वहां तक हम लोग वाटर को फ्लो कराने के लिए डिश ट्यूब का यूज करते हैं, वह कहलाता है पेनस्टॉक। ठीक है, उसके बाद है आपका पावर हाउस आएगा। वाल्व हाउस एक होता है जिसकी सहायता से हम लोग वाटर के फ्लो को कम या ज्यादा कर सकते हैं, वाल्व हाउस की सहायता से। और जो पावर हाउस होता है उसमें आपका मुख्य रूप से टरबाइन और अल्टरनेटर होता है, साथ ही साथ ड्राफ्ट ट्यूब आपको बताया देगा, टेल रेस जो लास्ट एग्जिट होता है टरबाइन से यूज होने के बाद वाटर डिस्चार्ज होता है जिसकी सहायता से उसको हम लोग बोलते हैं टेल रेस। और इसमें आपको एक बताया गया था इसके पहले वीडियो में, स्पाइल वे होता है। एक स्पाइल वे क्या होता है कि एक सीमेंट कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर या मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से हम लोग एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बरसात के दिनों में रिजर्वायर में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो जाता है, तो उसको एक गेट के द्वारा उसको हम लोग बाहर डिस्चार्ज करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पाइल वे। तो इस तरीके से मुख्य कंपोनेंट्स जो है आपको बता दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। तो फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।